इसी तरह रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में हमारे यहाँ छोटी छोटी बात पर बोलचाल बंद हो जाती है। मसलन आपने रिश्ता डाला, उन्होंने नहीं पसंद किया, आपने कहा जी आज से ताल्लुक़ ख़त्म। है आपने कोई दावत की, उन्होंने कहा नहीं आ सकते, ठीक है हम आज के बाद हम भी आपकी तरफ नहीं आएंगे। ये इतनी छोटी छोटी बातों पर, कोई तोहफ़ा भेजा फलाने को तो ज़्यादा दिया है, मुझे कम दिया है, बहुत ज़्यादा हज़रत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर इन बातों पर आप बोलचाल मेल जोल छोड़ते हैं तो शरीयत का हुक्म सुन लें, बिला शरई वजह के बोल चाल या मेल जोल नहीं रखेंगे, न फर्ज कबूल होगा ना नफल कबूल होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं नहीं, हदीस कह रही है, बैठे हैं पूछ लीजिए आप। सरफम वाला अदला के अल्फाज मौजूद है, जो बगैर शरई वजह के रिश्तेदारों से बोलचाल मेल जोल छोड़ देगा ना उसका फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है, भले कितने उम्रे कर ले। और बिल्कुल काबे के चक्कर लगाने से दुनिया को दिए हुए चक्कर खत्म नहीं होते। धोखे जो दिए हैं जो, अच्छा जी अब मैं नाम नहीं लूंगा ताकि आप सुनने वाले सिर्फ मकसद समझे। एक सहाबी हैं, उनकी वफात होती है तो अर्श हिल जाता है, हुजूर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, 70,000 फरिश्ता नमाज जनाजा पढ़ता है, नबी नमाज जनाजा के साथ जाते हैं आगे, दतफीन होती है वहाँ बैठ के हुजूर पढ़ते हैं, इतना कुछ। लोगों ने पूछा आपने ये इसकी कब्र के पास बैठ के क्यों पढ़ा, जबकि इसकी वफात पे अर्श हिला, 70,000 फरिश्ते ने नमाज पढ़ी, आपने नमाज पढ़ाई, जनाजे के साथ चले। साहबी फरमाया इसकी कब्र ने इसको दबाया, अल्लाह मैंने पढ़ा मेरे साथ तुमने पढ़ा, अल्लाह ने कब्र कुशादा कर दी। का इतने नेक आदमी को भी कब्र ने क्यों दबाया, फरमाया इसकी जबान। अल्लाह अकबर, हम क्या हैं, क्या क्या हमारे मुंह से निकलता है, क्या क्या हम कहते हैं। बल्कि ये कि हम लोग तो अगर अपने आप को देखें कोई खूबी तो है ही नहीं, और हम चैंपियन समझते हैं कि नहीं जन्नत के हम ठेकेदार हैं, जन्नत हमारी है, कोई लेके देखे हमसे, हम तो यूं बातें करते हैं। बिन रिजवान हाउस ऑफ ईस्टर्न वेयर, जिसमें आप और आपकी फैमिली के लिए है बहुत कुछ, डिजाइनर कमीज सलवार, अरबिक टॉप, परफ्यूम्स, इतर, कॉफी कैप्स, ये सब और भी बहुत कुछ हासिल करने के लिए अभी वेबसाइट या स्टोर विजिट कीजिए www.binrizwan.com।